गुड मॉर्निंग। आइए आइए महारानी साहिबा, कभी कभी ना सुबह सवेरे उठ के जरा ये घर घरिस्ती भी देखो। जब देखो नहुसत फैला के रखी हुई है। अम्मी आपसे कितनी दफा कहा है, मुझसे नहीं होती है सफाइयां वगैरह, आप कोई मासी रख ले। अच्छा दो लोगों के लिए मासी रखूं? वाह भाई वाह, मैं तो कहती हूँ शाबाश है तुम्हारी सोच पर। बात दो लोगों की नहीं है, बस मुझसे नहीं होती है डस्टिंग, ये डिश वॉशिंग, ये झाड़ू पोछा, खुद क्या करें आप। अच्छा तुम्हारी बारात क्या महलों से आने वाली है? महलों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए कोई शहजादा जरूर आएगा। मगर मेरी जान तुम शहजादी नहीं हो, हाँ इसलिए जमीन पे रहना सीखो। मिठाई बहुत मजे की है, कहाँ से आई है? तुम्हारी दोस्त के यहाँ से। मतलब? अरे इरफान भाई आए थे, जैनब का रिश्ता तय हो गया है, लड़के वाले खुद आए थे बात पक्की करने के लिए। जैनब की शादी? उसने मुझे बताया तक नहीं, मैं भी जाकर पूछती हूँ कि वो लड़का कौन है, कहाँ से आया। इरफान अंकल ने आपको कुछ नहीं बताया? वैसे तुम जानती हो। मैं जानती हूँ कौन, कहीं वो छोटू कादर तो नहीं? वही होगा। अरे बेटा मैंने क्या तुम्हारी ये तरबियत की है कि लोगों के कद बुत पे तुम इस तरह से बातें बनाओ। मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ। अच्छा अभी छोड़े नहीं सारी बातें, बताएं कौन है, सस्पेंस खत्म करें। वही जो इरफान भाई का स्टूडेंट है, जिसका घर में आना जाना भी है, सब जानते हैं। उमर, उमर से। उमर? हाँ मेरा उमर। हम क्या कर रही हो तुम? ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं उमर और जैनब की शादी नहीं होने दे सकती। उमर सिर्फ मेरा है, उसकी आंखों में मुझे देखकर रंग उतरते थे, वो किसी और का नहीं हो सकता, किसी और का नहीं हो सकता। और ये जैनब, फिर जैनब कहां से बीच में आ गई, वो क्यों आ गई, उसकी इतनी औकात कैसे हो गई? नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, ऐसा नहीं होने दे सकती। मत करो ऐसा, क्यों खुद को दुख दे रही हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मी, बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर दर्द है भी तो उसे बर्दाश्त करो, और अगर नफरत है तो उसे छुपा के रखो। लेकिन खुद को और अपने दिल को और इन चीजों को इस तरह से बर्बाद मत करो। मुझे मोहब्बत सता रही है, मत नहीं जीने देगी मुझे। वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है मेरी बच्ची में। कमाल हो तुम, तो फिर उमर ने मुझे क्यों नहीं चुना? बड़ों का फैसला था, बड़ों का फैसला था। जैनब ने सर झुका दिया बेटा।
ये फैसला उम्र का नहीं है। चलिए बच्चे अपने अपने फैसले अपने बड़ों के जरिए ही बताते हैं। माँ हम तुम्हारा साथ देगी उमर, किसी के गलत फैसले का शिकार नहीं होने देगी। माँ हमने तुमसे मोहब्बत की है उमर, और शादी भी तुमसे ही करेगी। इतना तो मैं भी तुम्हें जानती हूँ कि तुमको हारना पसंद नहीं है। बस खुदा खैर रखे।